टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कल शाम 26 दिसंबर को मुंब्रा से सटे सिलफाटा सर्कल के पास रमेश काटे ने शिवसेना शाखा बनाया, यानी शिवसेना कार्यालय, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री व पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। ये तस्वीर देखे, हम आपको कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ में 50 से अधिक कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए हैं। इस मौके पर गोपाल लांडगे, शिवसेना के नगर सेवक व तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव अब नज़दीक है, लेकिन ये तस्वीर पर गौर करें, लोग अपना पहला बदलना शुरू कर दिए हैं। रमेश काटे को सिल देसाई प्रमुख बनाया गया है। उम्मीद कयास लगाया जा रहा है आने वाले चुनाव में इन्हें भी टिकट मिल सकती है। बहरहाल इस उद्घाटन समारोह में आए महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यहाँ पर पहले भी शाखा थी, अभी ये शाखा का नया शाखा बनाया है। यहाँ पर इसका आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ इस शाखा में से सभी लोगों को मदद करने का काम, उनकी जो भी प्रश्न है उनको सलटाने का काम, सुलझाने का काम यहाँ शाखा में से हमारे लोग करेंगे। और इस ज़िले में धर्मवीर आनंदी के साहब ने बहुत ही बड़ी संख्या में शिवसेना के शाखा का निर्माण किया है, उसमें इस शाखा का भी योगदान निश्चित रूप से होगा। कॉरपोरेशन का तो हम लोग चुनाव देखकर कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, क्योंकि चुनाव देखते हुए, चुनाव को सामने रखते हुए हम लोग काम नहीं करते। शिवसेना साल के 12 महीना 365 दिन काम करती है। कोविड में भी आप लोगों ने देखा है कि हमारे सब कार्यकर्ता सभी लोगों की मदद कर रहे थे, खुद की जान जोखिम में डाल के। और हमेशा कोई भी आपदा आपत्ति आती है, कोई भी संकट आता है, तो शिवसेना ही रास्ते पे उतरती है लोगों की मदद करने की। सर, आने वाले घर का आप लोगों ने प्रस्ताव भेजा है सरकार को, सरकार में आप भी मंत्री है। थाने महानगर पालिका के हद में जो 500 स्क्वायर फुट का जो उसके नीचे के जितने घर है उसको प्रॉपर्टी टैक्स में माफ़ी देने का, माफ़ करने का निर्णय लिया है और उसका भी अमल निश्चित रूप से होगा। सर, आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में शिवसेना और एनसीपी मिलके इलेक्शन लड़े, ये बात कहाँ तक सही है? महाविकास आघाड़ी की सरकार राज्य में है और निश्चित रूप से कई जगह पर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, कई स्थानिक लोकल बॉडी में, स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी कई जगह पे अलायंस हुआ है। यहाँ स्थानिक लोग जो जैसे हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इकट्ठा बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे।